देखिए आज मैं ठाकुर जी का चंद्र श्रृंगार कर रही हूँ। इस तरीके से चंदन में लेकर आप कोई गुलाब जल जरूर मिलाइए। इस तरीके से आपने पूरा किसी ब्रश की सहायता से या उंगलियों की सहायता से आपने ठाकुर जी की पूरी बॉडी पे चंदन लगा देना है। इस तरीके से ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, और मैंने इसमें गुलाब जल मिला रखा है कि ठाकुर जी को सुगंध का अनुभव भी हो और ठंडक का अनुभव भी हो। इस तरीके से आप उनकी पूरी बॉडी पे चंदन लगा दीजिए। जो ये चंदन यात्रा होती है वो इसी भाव से होती है कि ठाकुर जी को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास ना हो। और ये तो हमारे बहुत ही प्यारे छोटे से लाला हैं, तो इन्हें वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, तो इसीलिए चंदन यात्रा की जाती है जिसमें कि ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। और ये देखिए अब हमने ये चंदन लगा दिया है पूरा, और अब मैं इनका श्रृंगार करूंगी। तो आप ये देखिए, ये मैंने ठाकुर जी की आईज बना दी है और ये उनका चंदन श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ठाकुर जी का तुलसी श्रृंगार करना बताऊंगी कि आपने ठाकुर जी का तुलसी पत्र से श्रृंगार कैसे करना।